नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर जो एमपी बोर्ड के द्वारा लेटेस्ट न्यूज निकल के सामने आई है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में कहीं पर भी स्किप ना करें, ठीक है। जो आज के मेन क्वेश्चन रहेंगे कि परीक्षा जुलाई में होगी या नहीं होगी, सेकेंड है क्या 3 विषयों की परीक्षा होगी, और थर्ड है क्या ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा जुलाई में। तो दोस्तों पूरी खबर जान लेते हैं, ठीक है, विस्तार से पढ़ लेते हैं पूरी खबर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि मशिमा की कक्षा 12वीं की परीक्षा जुलाई में होगी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जुलाई में होगी। यह परीक्षा मुख्य 3 विषयों के लिए होगी। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी लिख दिया गया है जो आपकी परीक्षा होने वाली है मुख्य 3 विषयों की होगी। यह बात नोटिस करने वाली है कितने विषयों की होगी दोस्तों, मुख्य 3 विषयों की होगी, ठीक है। इसकी तैयारी चल रही है, जबकि अन्य 2 विषयों के नंबर 3 विषयों की परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। परीक्षा ऑफलाइन ली जाएगी। दोस्तों तीनों सवालों के जवाब इतने में ही हमें मिल गए, यानी कि आपकी परीक्षा दोस्तों जुलाई में होगी और 3 विषयों की आपकी जो परीक्षा होगी, ठीक है, और जो आपकी परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी। आगे देखते हैं आगे क्या जानकारी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं मंडल ने परीक्षा से लेकर रिजल्ट घोषित करने का 2.5 माह का शेड्यूल तैयार कर लिया है, यानी कि उन्होंने 2.5 माह का शेड्यूल तैयार कर लिया है। हालांकि परीक्षा को लेकर जून के पहले सप्ताह में निर्णय। हेलो दोस्तों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराए मत, सबका सॉल्यूशन डाउटनेट। दोस्तों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन की फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT, NEET या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी कोर्स का सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी सर, GB सर, NG सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर, यानी पूरी पढ़ाई अब डाउटनेट ऐप पर है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लिया जाना है जाएगा और कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। 12वीं की परीक्षा को लेकर मंडल ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। हालांकि अभी हाल में केंद्र के साथ हुई जो मीटिंग हुई थी सभी राज्यों की, हुई बैठक में मध्य प्रदेश बोर्ड ने CBSE की तर्ज पर पेपर लेने के लिए कहा गया, जिसे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आगे देखते हैं ने इनकार कर दिया। यानी कि CBSE ने जो कहा था उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है, CBSE की तर्ज पर परीक्षा कराने के लिए फिर से पेपर तैयार करवाने होंगे, इस कारण पहले के ही पेपर से परीक्षा ली जाएगी। यानी कि दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की बात की जा रही थी कि ऑब्जेक्टिव आपका पेपर लिया जाएगा, तो क्या है जो इंदर सिंह परमार जी उन्होंने क्या है उसको निरस्त कर दिया, क्योंकि आपको जो पेपर हैं पहले ही तैयार कर लिए गए हैं और उन पेपरों को दोबारा छपवाएंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा, इसके अलावा जो ऊपरी खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो आपके पेपर पहले से छप चुके हैं उन्हीं के आधार पर, यानी कि जो आपका ओल्ड पैटर्न है, यानी कि जो पैटर्न आपका आया था ब्लू पेन और क्वेश्चन पेपर, उसी के आधार पर आपका जो पेपर बनने वाला है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पेपर बन चुका है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, करीब 7.5 लाख विद्यार्थी शामिल हैं। तो सभी लोगों को पता होगा 12वीं की परीक्षा में 7.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। मंडल ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, पेपर व परीक्षा सामग्री पूर्व में ही छप चुकी हैं, ठीक है, इसी कारण मंडल 12वीं की परीक्षा लेगा। यदि मंडल CBSE की तर्ज पर ऑब्जेक्टिव आधार पर परीक्षा लेगा तो उसे दोबारा पेपर बनवाने, छपवाने, परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने समेत अन्य कार्यों में समय लगेगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षा भी केंद्र पर जाकर देनी होगी। मंडल ने 12वीं के पेपरों की परीक्षा ही आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो को मैंने कहा था कि लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आपके 3 विषयों की परीक्षा की बात की जा रही है। दोस्तों अगर 3 विषयों की ऑफलाइन परीक्षा हुई तो क्या 5 विषयों की नहीं हो सकती? जब 3 विषय में अगर स्टूडेंट को कोरोना नहीं होगा तो क्या 5 विषय में कोरोना हो जाएगा? तो इसका जवाब आप चैट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसमें आपका क्या मत है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।